हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उन केसेस में एरर्स कैसे प्रोपेगेट करते हैं। जब हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो मेजरमेंट एक्यूरेट हो, जो हमने डिस्कस किया है कि एरर्स होती हैं। फिर उन मेजरमेंट्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, किसी ना किसी फॉर्मूले में लगा के कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन उन पे करते हैं, तो वो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें किस हद तक एरर हो सकती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसका रियल लाइफ से एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। मान लो हमने 1 kg आटा मेजर किया यूजिंग एनी डिवाइस जिसे हम वेट मेजर कर सकते हैं, और वो डिवाइस कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस करता है हर बार जब भी हम वेट मेजर करते हैं। लेट सपोज उसने पहली बार में मेजर किया 1 kg, पर जरूरी नहीं है वो 1 kg हो, उसमें कुछ ग्राम्स का एरर हो सकता है। देन हमने एक थोड़ा सा और हमने फ्लावर मेजर किया, उसका वेट मेजर किया, लेट सपोज वो 1/2 kg था, लेकिन इन दोनों में उसने कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस करी। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और अब मैंने अगर वेट मेजर किया तो वो दिखाएगा 1.5 kg प्लस माइनस सम एरर। तो उसके अंदर भी जो हमारी फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगी, इवन दो वी ऐड दीज मेजरमेंट्स। अगर हम इन दोनों मेजरमेंट्स को ऐड कर देते हैं, 1 kg प्लस 1/2 kg प्लस इनकी एरर्स को ऐड कर देते हैं, तो इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट विल बी 1/2 kg प्लस माइनस सम एरर। उस एरर को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द एरर्स प्रोपेगेट, इस तरीके से एरर्स प्रोपेगेट करते हैं। यहां पर मैंने दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करी हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हर केस में हमारी एरर्स प्रोपेगेट होती हैं और हमें बताना है कि फाइनल रिजल्ट में किस हद तक एरर हो सकती है। लेट एक्स बी दैट फिजिकल क्वांटिटीज जो दो वैल्यूज का सम है ए और बी। मान लेते हैं कि ए में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, एंड बी में जो एब्सोल्यूट एरर है इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा बी, और जो रिजल्ट आया हमारे पास उसमें एरर है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। सो हियर आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस एब्सोल्यूट एरर्स। यहाँ पर मेरी फिजिकल क्वांटिटी अब एक्स नहीं होगी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगी। आई हैव इंक्लूडेड द एरर एज वेल। तो ए हमारा होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में एरर है बी, हम लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ मेरा मेन मकसद है ये जो एरर प्रोपेगेट हो रही है डेल्टा एक्स, इसको कैलकुलेट करना। तो अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ, सो आई कैन सी हेयर दैट दिस एक्स गेट्स कैंसल्ड विद ए प्लस बी, क्योंकि ये हमारा पहले से ही हमें पता है दिस इज द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब हमें मिलता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डेल्टा एक्स की, इट विल बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें उस केस में हम इन दोनों डेल्टा और डेल्टा बी को डायरेक्टली ऐड कर देंगे बिना इनके साइंस इंक्लूड करे, इस तरीके से। तो यहां पर मैंने डेल्टा और डेल्टा बी की वैल्यूज ऐड कर दी बिना उनके साइन कंसिडर करे, और उसके आगे मैंने प्लस माइनस लिखा है। दीज आर द एक्सट्रीम एरर्स। देखो जब हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी आता है, तो इससे हमें ये चार पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर डेल्टा और डेल्टा बी हमारे ध्यान याद करो, ये जो मैंने एब्सोल्यूट एरर्स बताई थी, मैंने बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो इस केस में दिस विल बी अ लेसर वैल्यू, ये भी हमारे पास लेसर वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटीज है सेम साइंस में ऐड हो रही हैं, और ये दोनों वैल्यूज एक्सट्रीम होंगी, मैक्सिमम एरर्स होंगी, इसलिए मैंने इन्हीं दोनों को कंसिडर किया है बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरर इन एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे प्रोपेगेट करती हैं कैलकुलेशंस में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।